तो ब्रिटल थ्योरी फॉर द ब्रिटल फ्रैक्चर क्या कहती है बेसिकली, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देर आर मैनी फाइन इलेक्ट्रिकल क्रैक्स एंड देर आर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रेस एट द टिप ऑफ सच क्रैक्स, ओके, एंड विद सच स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन एंड थ्योरेटिकल कोहेसिव स्ट्रेंथ कैन बी ऑब्टेन्ड in this localized region when the body of the material is under a fairly low applied tensile stress. इसका मतलब क्या हुआ बेटा basically? वो ये कहता है कि basically है ना? और वहाँ पर जो stress concentration के points हैं आपके basically, वो आपके जो tips हैं, आपके tips हैं किसके? आपके ellipse के जो tips हैं, उनके ऊपर आपके high stress concentration के points हैं, और उन्हीं हाई स्ट्रेस कंसंट्रेशन के पॉइंट्स के ऊपर से क्रैक क्या करते हैं, प्रोपगेट करते हैं। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप कुछ देखेंगे, हम अभी मैं बनाता हूं इसके अंदर आपको एक दिखाता हूं मैं इस तरह से कि मान लीजिए हम एक इलिप्स बनाते हैं, सपोज आप करो इलिप्स इस मान मॉलिक्यूल, अब इलिप्स के अंदर अगर मैं कहूं तो ये आपकी एक लाइन है, ठीक है बेटा, अब जरा इसको ध्यान से देखना, ये जो पॉइंट्स हैं मैं जो बता रहा हूँ, ये दो पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये किसी मटेरियल में प्रोपगेट कैसे करें, आपको प्रोपगेट कैसे करना वो बना देता हूँ कि मैं एक इसके लिए ये मान लीजिए आपका मटेरियल ये है, इस मटेरियल के अंदर ये क्रैक ऐसा मान, ठीक है, अब ये जो क्रैक है ये धीरे 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 इन पॉइंट्स के ऊपर से, ये जो आपके स्ट्रेस कंसंट्रेशन के पॉइंट्स, ये वाला आपको डॉट में इस तरफ दिख रहा है, इस इलिप्स का ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, ये दो पॉइंट्स है हाई स्ट्रेस कंसंट्रेशन के, और धीरे 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 इन स्ट्रेस कंसंट्रेशन के पॉइंट्स के ऊपर क्या हो रहा है, आपका क्रैक जो है प्रोपगेट करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। और मैंने कहा था आपसे कि दो आपके, पहले तो ये पूरा एक रेक्टेंगुलर आपका एक यूनिफॉर्म, रेक्टेंगुलर यूनिफॉर्म आपका एक सिंगल सरफेस था, लेकिन अब ये यहाँ पर जैसे जैसे ये क्रैक बढ़ता जा रहा है, एक सरफेस ये बनता जा रहा है आपका एरिया, एक एरिया ये बनता जा रहा है और दूसरा इस क्रैक के नीचे बनता जा रहा है, ये दो क्रैक के एरिया हो गए बेटे यहाँ। तो यहाँ पर आप देखोगे जरा ध्यान से, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि इसके इस तरफ ऊपर की तरफ यहाँ पर है, ये किसकी वजह से हो रहा है आप, मैं ओवर ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पर आपके इस तरफ स्ट्रेस लग रही है, ठीक है, और यहाँ पर स्ट्रेस अप्लाई कर रहा है, दो डायरेक्शन यहाँ पर स्ट्रेस है, ठीक है बेटा, जरा इसको समझो आराम से, यहाँ पर अगर हम स्ट्रेसेस लगा रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर स्ट्रेसेस लगा रहा हूँ दोनों तरफ सिग्मा लग रही है आपके स्ट्रेसेस, तो ये क्रैक आपका इनिशिएट हो रहा है और क्रैक आपका बढ़ रहा है, और ये जो पॉइंट आपके दो जो बता रहा है आपको, ये वाले दो पॉइंट, ये वाला पॉइंट लिप्स का, ये वाला पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर आपकी जो स्ट्रेस है इसकी कंसंट्रेशन सबसे हाई है, इसीलिए इन पॉइंट्स के ऊपर भी आपका क्रैक धीरे 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 प्रोपगेट करके नीचे तक पड़ता रहा। अब है क्या ग्रिफिन क्राइटेरिया के अंदर हम देखते हैं, कहता है इफ द चेंज इन द इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू क्रैक एक्सटेंशन इज हायर देन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए न्यू क्रैक सरफेस क्रैक प्रोपगेशन विद अकर, डेफिनेशन को समझो ध्यान से, क्या कह रही डेफिनेशन, इफ द चेंज इन द इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू क्रैक एक्सटेंशन, कि क्रैक एक्सटेंशन की वजह से जो इलास्टिक एनर्जी के अंदर चेंज आ रहा है इस मटेरियल की, अगर अगर वो किससे इज हायर देन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए न्यू क्रैक, किससे ज्यादा है वो, अगर उससे ज्यादा है जो कि रिक्वायर्ड एनर्जी है टू क्रिएट ए न्यू क्रैक सरफेस, देन व्हाट विल हैपन द क्रैक प्रोपगेशन विल अकर, तो आपका क्रैक धीरे 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 प्रोपोगेट करता जाएगा एंड फाइनली द क्रैक विल अकर, इट विल टेक ए फॉर्म ऑफ फ्रैक्चर। अब बेटा यहाँ पर ये जो इक्वेशन निकल के आती है, मैं अब आपको नोट्स जब सेंड करूँ तो उसके अंदर आपको पूरी थ्योरी मिल जाएगी इसकी, कि ये जो इक्वेशन निकल के आती है सिग्मा सी इज इक्वल टू 2E गामा एस अपॉन पाई ए, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर जो आपको मिलता है
ई जो है अपना प्लास्टिक मॉडुलस हो गया, ये आपका जो गामा एस हो गया अपने पास, ये हो गया स्पेसिफिक सरफेस एनर्जी या फिर एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, ठीक है, जो आपके यहाँ पर इस क्रैक के जो मटेरियल के बॉन्ड्स उनको ब्रेक करने के लिए चाहिए, ठीक है। और ए हो गया आपने पास वन हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द इलिप्स इंटरनल क्रैक टू ए। बेटा ये जो लेंथ इसकी मैं दिखाना चाह रहा हूँ तुम लोगों को, ये जो लेंथ है ये टू ए है, ये जो लेंथ है मैं बता देता हूँ, ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक ये इलिप्स के अंदर ये कितनी है टू ए, ये टू ए है, दिस इज टू ए। आप इसको यहाँ पर लिखना तो मेरे लिए संभव नहीं होगा, पर आपको पता लग गया ये एरो हेड जहां पर मैं लगाया है इसके अंदर ये वाली लाइन, यहाँ से यहाँ तक जो एरो हेड दिखा रहा है टू ए, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ए का मतलब हो गया ये इसका वन हाफ, इसका हाफ हो गया है ना, जो आपकी इंटरनल क्रैक की जो लेंथ है, तो कोई भी लेंथ हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास ग्रिफिन क्राइटेरिया। तो जो क्रैक के लिए फ्रैक्चर स्ट्रेस हो गई अपने पास सिग्मा सी, सिग्मा सी अपने पास क्या है फ्रैक्चर स्ट्रेस, ठीक है, वो है ये अपने पास। तो फ्रैक्चर स्ट्रेस इज इक्वल टू टू ई गामा एस अपॉन पाई ए, वेयर ई इज द इलास्टिक मॉडुलस एंड योर गामा एस इज योर एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड पर यूनिट एरिया एंड ए इज योर वन हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द यानी कि वन हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ योर इंटरनल क्रैक, जो कि टोटल टू ए थी और ये अपने पास हाफ होगी इसकी। तो ये अपने पास ग्रिफिन क्राइटेरिया का बेटा फॉर्मूला निकल गया, ठीक है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्चर मैकेनिक्स। एप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्चर मैकेनिक्स का मतलब क्या है, एप्लीकेशन तो इसकी आपको पता ही, जैसा हमने डिस्कस किया शुरुआत के अंदर कि इट इज यूज्ड इन डिजाइनिंग, ऑब्वियसली बात है डिजाइनिंग के अंदर तो हाईली रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमने आपसे अभी डिस्कस किया था कि जब किसी कॉम्पोनेंट को हम अगर बिना फ्रैक्चर मैकेनिक्स को डिस्कस किया है, आपने उसको बना दिया मटेरियल के, मटेरियल को आपने डिजाइन कर दिया और आपने ना उसके फ्रैक्चर मैकेनिक्स को डिस्कस किया ना उसकी कंडीशंस को डिस्कस किया कि उसके ऊपर फ्रैक्चर किस तरह से प्रोपगेट करेगा अगर उसमें इनिशिएट होता है आपका क्रैक, तो क्रैक अगर वो सारी आपको स्टडी करना पड़ेगा, किसी भी मटेरियल को किसी भी कंपोनेंट को डिजाइन करते हैं तो उसके फ्रैक्चर मैकेनिक्स को स्टडी करना। दूसरा मटेरियल सिलेक्शन एंड अलॉय डेवलपमेंट, ऑब्वियसली बात है, लेकिन अगर आप किसी मटेरियल को सूटेबल नहीं पाते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं किसी दूसरे मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं जिसके अंदर वो प्रॉपर्टीज हो जो कि आपके फ्रैक्चर मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग फिट बैठते हैं, और अगर ऐसा भी नहीं होता है तो आप क्या करेंगे किसी अलॉय को डेवलप करेंगे, उसके अंदर दूसरे मटेरियल्स को इम्पार्ट ऐड करेंगे, एक अलॉय को बनाएंगे ताकि उसके अंदर आप वो प्रॉपर्टीज इम्पार्ट कर सके जो आपकी रिक्वायर्ड है, ठीक है। तीसरा डिटरमाइनिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफेक्ट्स, ठीक है, यहाँ पर आपको पता चलेगा कि जो आपके डिफेक्ट्स पैदा हो रहे हैं ये किस तरह से आपके मटेरियल को अफेक्ट करने वाले हैं, और दूसरी बात किस लेवल तक वो पैदा होंगे और कब तक लेवल तक वो आपके मटेरियल को डैमेज कर सकते हैं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। कुछ जगह ऐसा हो सकता है कि आपके मटेरियल के क्रैक जनरेट होंगे लेकिन उनका जो टाइम है प्रोपगेशन का, क्रैक के प्रोपगेट होने का टाइम बहुत लंबा टाइम है, तो बहुत लंबे टाइम तक वो आपके बहुत धीरे 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 प्रोपगेट करते हैं, तो आप उसको रख सकते हैं, रखेंगे नहीं लेकिन आप उसको रख सकते हैं, नए के तौर पर नहीं रखेंगे, नए में तो हम बिल्कुल भी ऐसा कंसिडर नहीं करेंगे किसी मटेरियल को नया डिजाइन करेंगे तो, लेकिन अगर उसमें आते हैं क्रैक तो हमारे मटेरियल में अगर उसकी बहुत धीरे धीरे प्रोपगेशन होती है तो हम उस मटेरियल को यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें। और लास्ट होगी आपकी मॉनिटरिंग कंट्रोल एंड फेलियर एनालिसिस, उस सारी चीज के लिए हमारे पास है आपके फ्रैक्चर मैकेनिक्स। मॉनिटरिंग भी हमने बताया अभी डिस्कस किया इस पॉइंट को हमने, मॉनिटरिंग का मतलब होता है कि अगर उसमें क्रैक या वो चीजें इनिशिएट हो जाती है तो आप उसको फ्रैक्चर मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग आपको पता चलता है कि वो किस हिसाब से आपका प्रोपोगेट करेगा, उसी हिसाब से आप उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए वो कभी भी फेल हो सकता है तो आपको उसकी मॉनिटरिंग कंटिन्यू करनी पड़ेगी, आपको पता है कि क्रैक इनिशिएशन की रेट बहुत स्लो है और वो बहुत धीरे धीरे इनिशिएट करेगा, बहुत धीरे धीरे प्रोपोगेट करेगा, तो आप उसकी मॉनिटरिंग उसी हिसाब से कर सकते हैं और फिर आप उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं और उसकी पूरी एक हिस्ट्री बना के उसके फेलियर का एनालिसिस भी कर सकते हैं, और ताकि इन फ्यूचर आप जब उसके लिए नया कंपोनेंट बनाएं या नया मटेरियल सिलेक्ट करें तो उस फेलियर एनालिसिस की उसकी पूरी हिस्ट्री को स्टडी कर सकें, ठीक है बेटा। तो ये दिस इज ऑल्सो थ्योरेटिकल पार्ट, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑल दिस योर फ्रैक्चर मैकेनिक्स, ठीक है बेटा। अब इसके अंदर अगर आपसे कुछ पूछ ले, इन केस एक बार हमसे पूछ लेता है कि भाई
कि भाई आपका जो फ्रैक्चर है उसके अंदर आपका बेसिकली मटेरियल का स्ट्रक्चर क्या रोल प्ले करता है, उसी अंदर पूछ जा सकता है ना। तो हम ये कहेंगे अगर पॉइंट टू पॉइंट अगर बात करें तो हम कहेंगे तो ग्रेन साइज ऑफ द मेटल जो आपके मटेरियल का ग्रेन साइज है दैट ग्रेटली अफेक्ट्स द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। ओके, तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या कहेंगे द ग्रेन साइज ऑफ द मेटल इट ग्रेटली अफेक्ट्स द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। ओके, और द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ नॉर्मली इंक्रीजेस एंड इट इज पॉसिबली द लोकल स्ट्रेनिंग विद द डिक्रीज ऑफ द ग्रेन साइज। और दूसरी बात कि द इररेगुलर फ्रैक्चर बिकम्स लेस लाइकली ऑन द ग्रेन रिफाइनमेंट। ये ध्यान रखना एक चीज कि जैसे जैसे आपके ग्रेन रिफाइंड हो जाते हैं वैसे वैसे आपके जो जिसे मैंने कहा था इंटरग्रेनुलर जो ग्रेन्स के अंदर अंदर इंटरग्रेनुलर जो आपके फ्रैक्चर है वो चांस कम आता है। तो आप एक ध्यान रखिए इस चीज का कि ग्रेन साइज का बड़ा इफेक्ट होता है। जितना आपका ग्रेन साइज फाइन होगा जितना आपका फाइन होगा प्लस जितना वो ग्रेन साइज इवन होगा ठीक है जो ग्रेन साइज आपका उतना ही आपके वहां पर जो मेटेरियल के अंदर फ्रैक्चर है वो आपका कम होगा मोटर तौर पर। दूसरा हम कह सकते हैं कि जो आपका जैसे हम कहें कि द एग्जिस्टेंस ऑफ योर प्रिफर्ड ओरिएंटेशन इन द कोल्ड वर्क मेटल एंड कॉलम्स स्ट्रक्चर इन द कास्ट मेटल कैन मॉडिफाई द मोड ऑफ फ्रैक्चर। इसका मतलब क्या हुआ अपने पास कि जितनी भी आपके कोल्ड रोल्ड मटेरियल्स हैं जिनको अपना कोल्ड वर्किंग प्रोसेस करते थे ठीक है ना, तो जो आपके कोल्ड वर्किंग प्रोसेस होती है उनके अंदर बेसिकली क्या होता है कि कोल्ड वर्किंग के अंदर वहां पर आपके स्ट्रेस कंसंट्रेशन के पॉइंट्स बन जाते हैं। और जब वो स्ट्रेस कंसंट्रेशन के पॉइंट बन जाते हैं तो वहां पर आपके जो फ्रैक्चर का प्रोपोगेशन है वो इजीली हो सकता है जैसा हमने डिस्कस किया डिफरेंट स्टोरी में। तो हमें क्या करना पड़ेगा वहां पर जहां पर भी स्ट्रेस कंसंट्रेशन के पॉइंट है वहां पर हमें हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करके चाहे वो आपकी जैसे कहेंगे एनीलिंग जैसी प्रोसेस करके हम वहां पर क्या कर सकते हैं उन स्ट्रेस कंसंट्रेशन पॉइंट्स को मिनिमल कर सकते हैं और आपके फ्रैक्चर या क्रैक इनिशिएशन को रोक सकते हैं। बेटा तो ये कुछ आपके बेसिक से पॉइंट्स हैं हमारे पास जो कि थोड़े इंपॉर्टेंट भी थे और हमने डिस्कस भी किया और ग्रिफिन थ्योरी का हमने फॉर्मूला भी डिस्कस किया है यहाँ पर। उस फॉर्मूले को हमें ध्यान भी रखना है और वो फॉर्मूला मैं आपको थोड़ा थ्योरी उसकी बता भी दूंगा कि आपको सेंड भी कर दूंगा पीडीएफ उसके थ्रू गो थ्रू हो जाएंगे तो वहां से हमें सारा फ्रैक्चर के बारे में मिल जाएगा ठीक है बच्चों। तो लास्ट के अंदर थैंक यू। अब आप मुझे बताइए किसी को कोई डाउट है तो बताइए मुझे। हो गया समझ में आ गया। हाँ सर ठीक है बच्चों फिर अगली क्लास कल शाम 4 बजे ठीक है। ठीक सर ओके थैंक यू। Thank you.